श्लोक संख्या 5 है, प्रथम मुंडक द्वितीय खंड से। जो पुरुष यज्ञ में आहुतियां देता है यथा समय, अनुशासन का पालन करता है, उसे सूर्य की किरणें वहां ले जाती हैं जहां देवताओं का एकमात्र स्वामी इंद्र निवास करता है। बात बहुत सीधी है। यज्ञ का अर्थ होता है अपने सारे कर्म, जो भी कुछ है मेरे पास, उसको मैं आहुति दे रहा हूं अपने परम लक्ष्य के प्रति। मेरा जो भी कुछ है वो उसका है, अपने लिए मैं कोई काम नहीं कर रहा। गीता में अर्जुन से कृष्ण कहते हैं कि तू सारे काम ऐसे कर जैसे यज्ञ कर रहा हो, और यज्ञ फिर कर्म नहीं माना जाता। सारे काम तू ऐसे कर जैसे तू यज्ञ कर रहा हो। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है निष्कामता। काम तो मैं कर रहा हूं पर अपने लिए नहीं कर रहा। जो कुछ था, आज का फल, आगे का फल, वो सब मैंने चढ़ा दिया, दिया। और किसको दिया? उसको दिया जो ऊंचे से ऊंचा है, जिसकी ओर इन ज्वालाओं की दिशा है। ये यज्ञ है। इसीलिए वैदिक साहित्य में यज्ञ को इतना स्थान दिया गया है कि आपके पास जो कुछ था आपने उसको दे दिया। और किसको दिया? अग्नि को दिया, जो मिटा देगी वो सब कुछ जो आपके पास था। इसीलिए पारसियों में अग्नि की इतनी श्रेष्ठता है। क्यों है? क्योंकि वो निर्मल कर देती है, साफ कर देती है, मिटा देती है। फिर कहा है कि जो अब लगातार इन ज्वालाओं को आहुतियां देता रहता है, उसे सूर्य की किरणें वहां ले जाती हैं जहां देवताओं का स्वामी इंद्र निवास करता है। अर्थात तुम्हारे मन को दैवीयता दे दी जाती है। जो कर्म ऐसे कर रहा है कि निष्कामता रहे, कर्म का लक्ष्य परमात्मा भर रहे, उसका मन स्वर्ग तुल्य जगह पर पहुंच जाता है। ये काव्यात्मक तरीका है कहने का कि उसे सूर्य की किरणें उठा के इंद्र के पास ले जाती हैं। तुम कहां रहते हो? तुम्हें ले जाया जाता है। तुम कौन हो? तुम कहां रहते हो? तुम वहां रहते हो जहां तुम्हारा मन है। तुम यहां बैठे हो, पर तुम यहां बैठे बैठे ख्याल आ गया अपने घर का, तो तुम कहां पहुंच गए? घर पहुंच गए ना। तो इसी तरह कहा गया है कि तुम्हें सूर्य की किरणें उठा के इंद्र के पास ले जाती हैं, अर्थात तुम्हारा मन देवताओं सा हो जाएगा। तुम्हारा शरीर नहीं उठ के पहुंच जाएगा वहां। क्या उठ के पहुंच जाएगा? मन। मन देवताओं के घर पहुंच गया। मन जो उसमें मूल बात है, केंद्रीय बात है, वो है निष्कामता। तुम यज्ञ किए जाओ। तुम काम ऐसे नहीं करो कि मैंने काम किया और मुझे कुछ मिला। तुम काम ऐसे करो कि मैंने जो करा उसका फल मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे करने भर से प्रयोजन था। यज्ञ करके कुछ पाते हो क्या? वापस जब लौटते हो जेब भरी हुई होती है। उल्टा होता है, जो था उसको दे और देते हो। और आम आदमी जब काम करता है और शाम को घर लौटता है तो जेब भर के लौटता है। तो यज्ञ में और आम कर्म में ये अंतर है। यज्ञ वो कर्म है जो कर्म है ही नहीं, जिसमें तुम काम पाने के लिए नहीं, गंवाने के लिए करते हो। मैं लगातार काम ऐसा करता जाऊं जो मुझे छोटा करे, जो मुझे हल्का करे, जो मुझे मेरे बोझ से, मेरी हस्ती से मुक्ति दिलाए, ऐसा काम यज्ञ कहलाता है। जो ये जो तुम पूरा आयोजन देखते हो कि बीच में वेदी है और उसमें से फिर ज्वालाएं हैं और संविधा डाली जा रही है, ये सिर्फ प्रतीक है। यज्ञ इसको नहीं कहते। कोई ये ना कहते कि यज्ञ का मतलब होता है आग जलाना और फिर उसमें घी इत्यादि डालना। ये यज्ञ नहीं है, ये यज्ञ का प्रतीक है। ये ऐसा है जैसे चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह थोड़ी प्रधानमंत्री बनता है कि बनता है
तो यज्ञ का चुनाव चिन्ह है क्या? आहुति, अग्नि, यज्ञ कुंड, वेदी, समिधा, ये सब क्या है? ये प्रतीक है, इनको यज्ञ मत मान लेना। यज्ञ का वास्तविक अर्थ है निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, ठीक है। मुंडकोपनिषद प्रथम मुंडक प्रथम खंड 8वां श्लोक। विचार रूप तप से ब्रह्म वृद्धि को प्राप्त होता है, उससे अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्राण मन पंच महाभूत लोक कर्म और कर्मफल उत्पन्न होते हैं। ये जितनी बातें कही गई हैं कि उत्पन्न होती हैं वो सब क्या है, उनमें साझी बात क्या है? अन्न प्राण मन पंच महाभूत लोक कर्म कर्मफल, इन सब में साझी बात क्या है? ये सब लौकिक हैं, ये सब क्या है? सांसारिक है, लौकिक है, भौतिक है। अन्न प्राण कर्म कर्मफल ये सब क्या है? ये दुनियादारी की चीजें हैं। और कहा जा रहा है कि तप से ब्रह्म वृद्धि को प्राप्त होता है और फिर उससे ये सब उत्पन्न होते हैं, पंच महाभूत अन्न इत्यादि। तप जब तुम करते हो तो तप का ताल्लुक होता है आत्मा से। तुम तप इस इच्छा से नहीं करते कि मुझे लौकिक वृद्धि मिलेगी, तुम इसलिए तप नहीं करते हो कि मेरा दुनिया में काम बन जाए, मेरे खेत खड़े हो जाए, मेरी इमारतें, मेरा व्यापार खड़ा हो जाए। पर ये सूत्र बहुत कीमती है, सूत्र तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी तपस्या जो कि होती इसलिए है कि तुम्हारा आंतरिक जगत खुशहाल हो जाए, मात्र आंतरिक जगत को ही नहीं तुम्हारे बाह्य जगत को भी वृद्धि दे देती है, परिपूर्ण कर देती है। इसी बात को मैं इस तरीके से कहा करता हूं कि जिसके पास सत्य है वो संसार का भी बादशाह हो जाता है। तुम सत्य की ओर इसलिए नहीं बढ़ते, इस कामना से नहीं बढ़ते कि मुझे संसार मिल जाए। वास्तव में जो सत्य की ओर बढ़ा है वो तो संसार की निस्सारता को देखकर बढ़ा है। तो चाहत तुम्हारी बस ये होती है कि वो मिल जाए, चाह तुम बस ये रहे हो कि मुझे वो मिल जाए। लेकिन फिर जादू होता है, एक सह उत्पाद की तरह, एक बाय प्रोडक्ट की तरह तुम्हें कुछ और भी मिलने लग जाता है। चाहा था तुमने ब्रह्म और मिलने लग जाता है अन्न भी, मिलने लग जाता है प्राण, मिलने लग जाते हैं मन, मिलने लग जाता है पंच महाभूत समस्त लोक और कर्म और कर्मफल मिलने लग जाते हैं। ये तो बड़ी मजेदार बात हुई। जो दुनिया को चाहता है उसने तो पहले ही कह दिया मुझे ब्रह्म नहीं चाहिए, ब्रह्म तो चाहिए ही नहीं था तो नहीं मिला और दुनिया भी नहीं मिली, क्योंकि दुनिया गुलाम किसकी है? उसकी। दुनिया कहती है कि जब तेरा मेरे मालिक से कोई वास्ता नहीं तो मैं तेरे पास क्यों आऊं। तुम समझो दुनिया किसकी दासी है? उसकी। और उसको छोड़ के जब तुम दुनिया की ओर चलते हो, परमात्मा को छोड़कर जब तुम दुनिया की ओर चलते हो, दुनिया वाले में तुमसे क्या कहती है अंततः? क्या? जब तू मेरे बाप का नहीं हुआ तो तू मेरा क्या होगा? दुनिया भले ही अपनी चाल चलती हो लेकिन दुनिया बिटिया किसकी है, दासी किसकी है? उसी की, परम की। तो जब तुम परम की उपेक्षा करके दुनिया के पास जाते हो, दुनिया कहती है तू मेरे बाप को छोड़ करके, मेरे बाप का अनादर करके मेरे पास आया, कुछ नहीं मांगेगा मुझसे, भग। और फिर दूसरे होते हैं जो तप करते हैं ब्रह्म की खातिर, उन्हें ब्रह्म तो मिलता ही मिलता है और ब्रह्म के साथ साथ मुफ्त में दुनिया भी मिल जाती है। यही इस श्लोक का अभिप्राय है। तुम्हें अगर दुनिया में ठोकरें मिल रही हैं तो इससे क्या पता लग जाना चाहिए
कि तुम परम से दूर हो, क्योंकि दुनिया तो अंत में तुम्हें एक ही बात बोलेगी, तू मेरे बाप का हो जा, मैं तेरी हो जाऊंगी, तू मेरे बाप का हो जा, मैं तेरी हो जाऊंगी। तो दुनिया अगर तुम्हें नहीं मिल रही है, दुनिया में ठोकरें खाते हो, परेशान रहते हो, तो वजह साफ है, तुम दुनिया के बाप के नहीं हुए हो। दुनिया फिर अपने आप तुम्हारी हो जाती, हुई नहीं।